केंद्र सरकार ने नागालैंड के 8 जिलों और 21 पुलिस स्टेशंस को अशांत घोषित कर दिया है। इसी के साथ केंद्र सरकार ने इन सभी जगहों पर अगले 6 महीने के लिए AFSPA को बढ़ा दिया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्यों में कानून समीक्षा के बाद यह फैसला व्यवस्था की स्थिति के लिए लिया गया। गृह मंत्रालय ने यह अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की, जिसमें कहा गया है कि नागालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमोकिदिमा, मौन, कीफीरे, नोकलाग, फेक और पेरेन जिलों में AFSPA को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा AFSPA को नागालैंड के 5 जिलों में 21 पुलिस स्टेशन, जुहेन बोटो और मोको कुंचुंग जिलों में 6-6 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है। कोहिमा में 5 पुलिस स्टेशन, वोखा में 3 पुलिस स्टेशन और लोंगलिंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन शामिल है। खबरों की माने तो कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुम्बा और केचोचा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों के साथ साथ को कोचुंग जिले के मंकोलेम, मंको कुचुंग, लेगोथा, तुली, लोंगकेम और अनाकी पुलिस स्टेशन, सी लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन, वोसा जिले में भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन में घटासी, पुगोबोटो, सताका, जुहेन बोटो जिलों में सुरुहोतो, जोन बोटो और अघुनातो पुलिस स्टेशन क्षेत्र में भी किया गया है। AFSPA की धारा 3 के तहत उपरोक्त जिलों और पुलिस स्टेशन के लिए अशांत क्षेत्र सूची में टैग का विस्तार आवश्यक हो गया था, क्योंकि अंतिम अधिसूचना केवल 31 मार्च 2024 तक वैध थी। केंद्र ने नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के आगे की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया। इससे पहले केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 का 28 की धारा 3 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागालैंड राज्य के 5 अन्य जिलों में 8 जिलों और 21 पुलिस स्टेशन को 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने की अवधि के लिए अशांत घोषित किया था। AFSPA को कानून है जो सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने के साथ साथ कुछ अन्य कार्रवाई करने का अधिकार देता है।